for infinity. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था, ये 14 अक्टूबर 2022 को पश्चिम मध्य रेलवे की बैठक हुई थी। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें कल हमने आपको विंध्य की जानकारी दी थी, आज हम आपको विंध्य के अलावा थोड़ा सा बुंदेलखंड की भी इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपको बता चले कि जबलपुर मंडल परिक्षेत्र के सांसद सदस्यों की मंडल स्तर पर बैठक हुई थी। बैठक में दमोह लोकसभा क्षेत्र के लिए सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों में केंद्रीय राज्य मंत्री के सहायक निज सचिव ने सांसद की ओर से सुझाव दिए हैं, जिसमें उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बिना कटनी रेलखंड के बांदकपुर में रेलवे क्रॉसिंग में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण कराया जाना चाहिए। इनके अलावा जो महत्वपूर्ण सुझाव था वो था कि दमोह से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन चलाई जाए। रीवा से नागपुर वाया जबलपुर ट्रेन प्रस्तावित है, इस ट्रेन को बीना से चलाया जाए। अगर ऐसा होता है तो दमोह सागर वालों को भी नागपुर की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। दमोह रेलवे स्टेशन एक आदर्श स्टेशन घोषित है, इस श्रेणी की सभी सुविधाएं दमोह रेलवे स्टेशन में दी जानी चाहिए। इनके अलावा बताया गया कि गाड़ी संख्या 18236 भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन जो कि रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है। बताया गया कि इस ट्रेन को गणेशगंज स्टेशन में 5 मिनट का स्टॉपेज दिया जाए। इनके अलावा बताया गया कि जो पथरिया रेलवे स्टेशन है, बांदकपुर रेलवे स्टेशन है, गणेशगंज रेलवे स्टेशन है, जहां पर कोरोना काल के पहले जो ट्रेन रुका करती थी उन ट्रेनों को रोका जाए। इनके अलावा दमोह राजरानी जो ट्रेन चलती है, इस ट्रेन को भोपाल की जगह रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक बढ़ाया जाए, क्योंकि अधिकांश यात्री रानी कमलापति यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन तक शासकीय कार्य हेतु प्रशासनिक अधिकारी एवं समान व्यक्तियों को आवागमन होता है। दमोह स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की भी ऊंचाई बढ़ाई जानी चाहिए। ये सब सुझाव दमोह तरफ से आए हैं, यानी कि दमोह तरफ का सबसे अहम सुझाव जो दिया गया उसमें बताया गया कि रीवा से नागपुर ट्रेन को दमोह सागर होकर चलाया जाए, जिससे आम यात्रियों को लाभ मिल सके। इनके अलावा अगर बात की जाए इस मीटिंग में विंध्य क्षेत्र की, तो विंध्य क्षेत्र में काफी नाराजगी सांसदों के द्वारा जताई गई। आपको बता चलेंगे जबलपुर रेल मंडल की सीमा में आने वाले लगभग 100 रेलवे स्टेशन से लगे सांसदीय क्षेत्र के सांसद यात्री सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाने और मौजूदा सुविधा की समीक्षा करने जबलपुर पहुंचे थे। मंडल द्वारा आयोजित इस बैठक में 17 सांसदों को आना था, लेकिन सिर्फ 8 सांसद ही पहुँच पाए। 14 अक्टूबर 2022 को बैठक हुई और इस बैठक में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता, जबलपुर रेल मंडल के DRM विवेक शील समेत सभी मंडल के आला अधिकारी मौजूद रहे। इधर 8 सांसदों ने बारी बारी से अपने सांसदीय क्षेत्र में मौजूदा रेल सुविधाओं को बेहतर करने का सुझाव दिया और कई मांगों को समय से पूरा करने को कहा। इस दौरान जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो बताया गया कि किसान और उनके परिजनों को रेलवे द्वारा नौकरी देने के वादे से मुकरने का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्म था। यानी कि बात की जा रही है ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन परियोजना में, यहाँ पर बोला गया था कि किसानों को नौकरी दी जाएगी, उसके बाद रेलवे बिल्कुल चुपचाप हो गया है, कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको बताते चलें कि रेलवे द्वारा नौकरी देने के वादे से मुकरने का मुद्दा काफी गर्म था। एक या दो नहीं बल्कि 4 सांसदों ने एक सुर में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा सतना पन्ना ललितपुर नागौद रीवा सीधी के किसानों और उनके परिजनों को रेलवे द्वारा नौकरी देने का वादा करने के बाद भी नौकरी न देने पर नाराजगी जताई है। एक सांसद ने तो यह तक कह दिया कि रेलवे ने उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिए, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो पीछे हट गए, जो कि बिल्कुल गलत है। इधर रेलवे ने सांसदों के सवालों का जवाब देने पर कहा कि रेलवे नीति के आधार पर इस पर काम किया जा रहा है। आपको बता चले कि बैठक में माननीय सांसद और माननीय राज्यसभा सांसद सदस्य मिलाकर 17 सांसदों को आना था, लेकिन बैठक में सिर्फ 8 सांसद ही पहुंच पाए। इनमें जो सांसद पहुंचे थे उसमें सतना सांसद माननीय श्री गणेश सिंह जी, होशंगाबाद सांसद माननीय उदय प्रताप सिंह जी, रीवा सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, सीधी सांसद आदरणीय श्रीमती प्रीति पाठक जी, सागर सांसद माननीय श्री राज बहादुर सिंह, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री कैलाश सोनी जी, वहीं माननीय सांसद राकेश सिंह अस्वस्थ होने की वजह से नहीं आ पाए। उन्होंने पत्र के माध्यम से जबलपुर और आसपास के रेलवे स्टेशनों में यात्री सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं खजुराहो सांसद माननीय श्री BD शर्मा जी किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, उनकी जगह उनके प्रतिनिधि पूर्व
महापौर शशांक श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। बैठक में जबलपुर की राज्यसभा सदस्य माननीय सुमित्रा बाल्मीकि जी ने जबलपुर से आंध्र प्रदेश तक गोंदिया दुर्ग से ट्रेन चलाने की बात कही है, यानी कि नैनपुर बालाघाट गोंदिया के रास्ते ट्रेन चलाने की मांग की है। उन्होंने रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाकर विकास करने पर जोर दिया। वहीं जन शताब्दी की तरह जबलपुर से नागपुर के लिए दैनिक ट्रेन चलाने की मांग की गई और त्योहारों पर गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने का सुझाव दिया। इसके अलावा माननीय राज्यसभा सदस्य आदरणीय श्री अजय प्रताप सिंह जी, राज्यसभा सदस्य कैलाश सोनी जी ने भी यात्री सुविधाओं के लिए कई मांगों को रेलवे के समक्ष रखा है। इनके अलावा माननीय होशंगाबाद सांसद आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी ने इटारसी से जबलपुर के बीच शटल ट्रेन को फिर से शुरू करने पर जोर दिया है, यानी कि डिमांड की गई कि इटारसी से जबलपुर के बीच शटल ट्रेन को दोबारा से शुरू किया जाए। माननीय रीवा सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी ने किसानों से ली गई जमीन के बदले लोगों को रोजगार देने पर जोर दिया। माननीय सीधी सांसद आदरणीय रीति पाठक दीदी ने किसानों को जमीन लेने के बाद भी नौकरी न देने पर रेलवे से कहा कि वे इस पर जल्द से जल्द निर्णय लें। इनके अलावा सागर के जो माननीय सांसद है राज बहादुर सिंह जी, इन्होंने सागर रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण हटाने एवं बिल्डिंग के सौंदर्यीकरण, नए प्लेटफॉर्म बनाने, पर्यटन एवं शिक्षा के क्षेत्र में सागर के विकास की मांग उठाई है। इनके अलावा माननीय सतना सांसद आदरणीय श्री गणेश सिंह जी ने मांग की कि मानिकपुर से सतना, सतना से इटारसी के लिए शटल ट्रेन चलाई जाए। उनके द्वारा ये मांग की गई। उनके द्वारा ये भी बताया गया कि सतना में रेलवे ओवर ब्रिज बनाया जाए, माल गोदाम को शिफ्ट किया जाए दूसरी जगह और केमा रेलवे स्टेशन पर विकास करने पर जोर दिया है। आपको बताया चले कि इस बैठक में रेलवे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक विजय कुमार गुप्ता जी, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक श्री मुकुल शरण माथुर जी, मुख्य कार्मिक अधिकारी एस के अलबेला जी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ए के सिंह जी, प्रमुख मुख्य अभियंता श्री अनिल कुमार पांडे जी, प्रमुख मुख्य अभियंता डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता जी, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री ब्रजेंद्र कुमार जी, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक कुमार गुप्ता जी, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल श्रीवास्तव जी, उप महाप्रबंधक श्री अनुराग पांडे जी, सीनियर डीसीएम श्री संजय विश्व रंजन जी सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे के द्वारा इन सभी विषयों पर सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, यानी कि इस मीटिंग पर जो विंध्य क्षेत्र के जो सांसद थे वो किसानों के पक्ष में उन्होंने बात की है और किसानों के पक्ष में उन्होंने नाराजगी जताई है, क्योंकि विंध्य के जो सांसद हैं वो चाहते हैं किसानों को रेलवे जमीन के बदले नौकरी दे, जो वादा किया था उस वादे पर कायम रहे। ऐसे में जो रेलवे है वो नौकरी नहीं दे रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं सांसदों की भी छवि खराब हो रही है और विंध्य क्षेत्र के जो माननीय सांसद हैं वो भी रेलवे के इस फैसले से काफी नाराज हैं। इसी वजह से इस मीटिंग में नाराजगी जताई गई विंध्य क्षेत्र के माननीय सांसदों के द्वारा। विंध्य क्षेत्र के सांसद चाहते हैं कि जो किसान नौकरी के पात्र हैं उनको रेलवे के द्वारा नौकरी दी जानी चाहिए। उनके तरफ से शुरू से प्रयास किया जा रहा है और अभी तक प्रयास किया जा रहा है और आशा की जा रही है कि उनका ये प्रयास सफल होगा और हमारे रीवा सीधी सिंगरौली सतना पन्ना और पन्ना खजुराहो रेल लाइन परियोजना में जितने भी हमारे पात्र किसान हैं उन सभी किसानों को नौकरी दी जाए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है, आप सभी को नौकरी मिल जाए और माननीय सांसदों की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।